अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 1.5 मीटर का तकरीबन जोड़ा बन जाता है। मैंने तकरीबन 1 मीटर का निकर के लिए कपड़ा लिया है, ठीक है। और निकर का कपड़ा मैंने डबल करके फ़ोल्ड करके और इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप एग्जैक्टली इसी तरह आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह है। आप बीच से भी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे तो ये बहुत ही क्यूट आपकी एक फ्रॉक टाइप सी बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें दो पीस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको बीच से इस तरह हमने इसको स्टिच करना है, पहले बीच से और फिर साइडों से। फ्रेंड, ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया तो इसकी मैं जो है एक झालर बनाऊंगी, जो कि मैं पूरे ट्राउज़र पे लगाऊंगी साथ में, ठीक है। 2 इंचज़ की तकरीबन ये झालर होगी और लंबाई जो है वो आप डबल डबल कपड़ा रख लें जितना पेंच है। अब ये जो कपड़ा है शर्ट का, ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह शर्ट बना रही। नीचे मैं झालर लगाऊंगी, ये तकरीबन 5 इंचज़ विड्थ और 28 इंचज़ लेंथ है। मैं आगे आपको बता भी देती हूँ। यह मुझे तकरीबन बेली बटन जितना इसका ऊपर वाली बॉडी रखनी है, उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह करके आपने छोटी सी शर्ट काटी है, तकरीबन आपकी जो रिब्स होती हैं उधर तक आपका कपड़ा आएगा और नीचे फ्रॉक आएगी। अब ये तकरीबन पूरी फ्रॉक बन रही है, तो आप जो शर्ट होती है उसका हाफ जो एरिया है वो ऊपर वाली शर्ट हो गई, ठीक है। और ये नीचे हम झालर लगा देंगे। इसकी मैं आपको अच्छे से मेजरमेंट बता देती हूँ। 28 इंचज़ इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी तकरीबन 5 इंचज़ है। इतना कपड़ा आपको चाहिए होगा, बहुत क्यूट सी एक शर्ट बन जाएगी और नीचे निकर होगी। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने दोनों जो निकर हैं इन दोनों के आपस में इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। दरमियान से साइडों से पहले बंद मत कीजिएगा, वो हम एंड में करेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बीच में जोड़ लिया है। इसको आप ऐसे कर लें, खोलेंगे तो ये इस तरह की शक्ल आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने दरमियान से इसको स्टिच कर लिया और साइडें जो हैं वो रह गई हैं, ठीक है। अब साइडों पर आपने क्या करना है, साइडों पर हम स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे झालर लगाएँगे। तो तकरीबन 1 इंच का जो कपड़ा है वो मैंने ऊपर रख के इस तरह, ये बिल्कुल साइड्स हैं, ठीक है। पांचे के जो ऊपर जगह होती है आपकी पूरी लेग को कवर करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने साइड्स पे लगा लेनी है और ये आपने फ्रंट साइड पे लगानी है। ये मैं फ्रंट साइड पे लगा रही हूँ, इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करके इसको बंद कर दूँगी। इसी तरह इस साइड पे और दूसरी साइड पे लगाने के बाद जो पौंचा होता है उसके ऊपर भी मैंने सेम इसी तरह लगा देनी है। देखें जो लेंथ है इसकी वो डिपेंड करता है कि आपका आपको कितनी झालर लगानी है, ठीक है। जितना लंबा कपड़ा होगा उतनी अच्छी बात है, फिर आप एंड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो काट लें। तो इसके लिए मेजरमेंट की लंबाई की वो इतनी की ज़रूरत नहीं है। ये अब मैं दोनों साइडों को कवर कर रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एग्जैक्टली सेम यही चीज़ आप पैंचे पर भी कर लें, ठीक है। ये फ्रेंड्स हो गया, अंदर से भी मैंने इसके पेंचे पे भी इसी तरह लगा लिया। अब जो साइड्स हैं आप उसको उल्टा कर दें कपड़े को, ठीक है। और साइडों पे आप इसको, ये देखें, इसको थोड़ा सा आपने वो करके इसको आपने स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये झालर के बिल्कुल साइड पे स्टिच करना है। ये देखें मैंने पांचों पे भी झालर लगा दी है और साइडों पे भी लगा दी। उसके बाद मैंने इसको उल्टी साइड से इसकी सिलाई कर लिया। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं किस तरह इसकी झालर आई है। अब ऊपर मैं जो यहाँ इलास्टिक डालते हैं वो जगह बना के इसको मैं स्टिच करके तो मेरी निकर जो है वो तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स अब अपनी शर्ट पर आ जाते हैं। ये देखें ये शर्ट है, ये गला है, ठीक है। सबसे पहले हम शोल्डर्स, हमेशा याद रखें शर्ट सीने से सबसे पहले हमने शोल्डर्स को स्टिच करना होता है। डबल सिलाई लगाया करें, डबल सिलाई का फ़ायदा ये होता है कि शर्ट जो है वो फटती नहीं है और मज़बूत सिलाई रहती है, ठीक है। शोल्डर्स को करने के बाद आप ये देखें इस तरह की शक्ल आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हम फोल्ड करके, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो मैं इसको सिंपल स्लीवलेस वो बनाऊँगी। और इसके अलावा आप इसके गले को भी पाइपिंग करके और थोड़ा सा फोल्ड आपने इस तरह करके और इसके स्लीव्स और गला दोनों जो है वो बना लेना है। इसी तरह हम दूसरे स्लीव को भी इस तरह बंद कर देंगे। स्लीवलेस शर्ट की ये आसानी होती है कि आपको इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। अब हम इसके गले को बनाएंगे, उसको भी आपने इसी तरह फोल्ड करना है और दोनों साइडों पे आपने इसको इस तरह स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स ये तकरीबन शर्ट के साइज़ की फ्रॉक है, ठीक है, साथ में निकर जो है वो विजिबल होगी आपकी, इसलिए मैंने उस पर सारी झालर लगाई है। इसके एंड में झालर लगेगी तो ये थोड़ी सी आपकी निकर को कवर करेगी, अदरवाइज़ ये आपकी एक आप समझ लें कि ट्राउज़र शर्ट की तरह बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब आप ये देखें, ये मैंने इसकी पाइपिंग कर ली है नीचे से, ठीक है, थोड़ा फोल्ड करके उसे मैंने सी दिया है। अब मैं इसको जो है वो इसके साथ छोटी छोटी झालर बना के इसको इसके साथ लगा दूंगी। मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह थोड़ा थोड़ा आपने फ़ोल्ड करना होता है जैसे प्लीट्स बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह आपने स्टिच कर देना है। 28 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है, ठीक है, 28 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है इस पीस की और 5 इंच जो है मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अक्सर लोग मेजरमेंट्स के बारे में पूछते हैं, आप अगर सेंटीमीटर और इंचेस के चक्कर में ना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप की जो बेस्ट कमीज़ है, जो आपकी सबसे अच्छी फेवरेट कमीज़ है जिसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है, उसके मुताबिक आप उसको ऊपर रख के और उसकी कटिंग आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा है वो आसान होगा। इसी तरह दूसरी साइड के भी ऊपर मैं इस तरह झालर लगा दूंगी। ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको साइडों से बंद कर लेना। ये इस तरह ये देखिए सिंपल सी आपकी एक शर्ट तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। वैसे तो अगर आपके पास बड़े बटन्स पड़े हैं तो उसके ऊपर भी आप फैब्रिक के बटन्स बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक और तरीका भी होता है जिससे मैं आपको बताऊँगी कि ये आप क्या इसके साथ आप थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बुकरम पे सर्कल्स बनाए हैं, उसके ऊपर कपड़ा चिपकाया है और अब मैं इसको इसके साथ स्टिच कर दूंगी। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, नीडल से भी कर सकते हैं, ठीक है। बुकरम के ऊपर सिंपल कपड़ा चिपका के मैंने ये दो जो है वो एक ज़रा थोड़ा इसको अच्छी लुक देने के लिए मैंने बना ली। इस तरह आप इन दोनों को जो है वो सुई के साथ भी कर सकते हैं और आप इसको मशीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो नीडल आप यूज़ करेंगे, जो कलर यूज़ करेंगे वो आप लोग प्लीज़ मैरून कीजिएगा, ठीक है, उससे ये होगा कि वो सिलाई आपकी नज़र नहीं आएगी। चाहे तो आप स्टार्स बना सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे दो सर्कल्स अच्छे लगे तो मैंने इसलिए जो है निकर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था जो इसकी ट्राउज़र का, वो ले के मैंने उसे बुकरम के ऊपर सर्कल्स बना के और प्रेस करके मैंने ये बना लिया। आप चाहे तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर लुकिंग मोर गुड। सो एज़ यू सी, और आप ट्राउज़र के देख लें क्या ऊपर से सिलाई लेके आते हुए बिल्कुल नीचे सिलाई आपने करनी है और उसके बाद पीछे से बैक से आपने इसको सी लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।